न्यूज आयन में आपका स्वागत है। पेश है आज की हेडलाइंस। पिथौरागढ़ नगर के जाकरी क्षेत्र में शनिवार की रात लगभग 8 बजे एक तेज रफ्तार टैक्सी ने 16 वर्षीय बालिका मनीषा क्यूराल निवासी क्यूरी चीमिया को टक्कर मार दी, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। कार सवार ही उसे अस्पताल लाया। डॉक्टर लाल सिंह बोरा ने बालिका की जाँच की। टैक्सी की टक्कर से बालिका का लिवर फट गया था। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया के प्रयासों से बालिका को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेज दिया गया। बताया गया है कि बालिका जवाहर नवोदय की छात्रा है, वह टाइफाइड से पीड़ित थी और उपचार के लिए जाकनी में अपने रिश्तेदारों के घर आई हुई थी। साहब लड़का नशे का आदी है, सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं सुधर रहा। मड़खड़ायत निवासी महिला की व्यथा पर थानाध्यक्ष चाजर देवल प्रकाश चंद्र पांडे तथा प्रभारी SOG हेमचंद्र तिवारी ने परिजनों के समक्ष युवक की काउंसलिंग की। इसके बाद युवक ने नशा मुक्ति केंद्र जाने की सहमति दी। उसने भरोसा दिलाया कि वह नशा छोड़ देगा। देवलथल तहसील के अंतर्गत अलगड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसोड़ में भूस्खलन से उमराव सिंह ज्याला का मकान खतरे में आया है। मकान के पीछे भूस्खलन होने से उसमें दरारें आ गई हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने दैवीय आपदा मद से पीड़ित की मदद करने की गुहार लगाई। नगर का प्रसिद्ध रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर गढ़कोटी हॉस्पिटल अब विभिन्न कार्ड धारकों को निशुल्क उपचार की सुविधाएं देगा। अस्पताल में आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड धारकों को हड्डी रोग से संबंधित ऑपरेशन की सुविधाएं निशुल्क मिलेंगी। अस्पताल पिछले 22 वर्षों से नगर में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। दुर्घटना और चोट लगने पर मरीजों को बगैर सरकारी अस्पतालों से रेफर कराए सीधे भर्ती किया जा सकेगा। डॉक्टर गढ़कोटी ने बताया कि आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के साथ ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड धारकों को भी यही सुविधाएं मिलेंगी। युवा बाल साहित्यकार ललित शौर्य को विभिन्न संगठनों ने सामूहिक रूप से सम्मानित किया। समाज सेवी जुगल किशोर पांडे की पहल पर एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में ललित शौर्य को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राम सिंह, डॉक्टर कच्चा हारी, डॉक्टर उमा पाठक, राकेश देवलाल, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी समेत कई लोग मौजूद रहे। चंपावत जिला न्यायालय प्रांगण में रविवार को जिला जज कैकशा खान के निर्देश पर अग्निशमन यंत्रों के चलाने के संबंध में पुलिस विभाग की फायर टीम ने जिला जजी चंपावत के समस्त न्यायिक अधिकारी गण और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम चेयरमैन फुटबॉल कप प्रतियोगिता में रविवार को रई AFC और DSC ब्लू के बीच मुकाबला हुआ। रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर रही। मुख्य अतिथि सभासद विजेंद्र सिंह मेहर और विशिष्ट अतिथि प्रकाश पुनेड़ा थे। नेपाल सीमा से लगा झूलाघाट जौलजीबी मोटर मार्ग 48 घंटे बाद भी नहीं खुल सका। मार्ग बंद होने से हजारों की आबादी परेशान है। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल खनका ने बताया कि तालेश्वर के पास पहाड़ी से बोल्डर गिर जाने से मार्ग बंद पड़ा है। सूचना देने के बाद भी विभाग ने सड़क खोलने के लिए कोई पहल नहीं की। बागेश्वर जनपद के भुरचुनियाधार गाँव का एक 13 वर्षीय बालक माँ की डांट से नाराज होकर घर से लापता हो गया। परेशान मां कमला ने थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही बालक को खोज निकाला और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है। मतकोट क्षेत्र के गैला पत्थर कोट गांव में पिछले एक माह के दौरान लंपी वायरस से 8 दुधारू जानवरों की मौत हो गई। स्थानीय निवासी बलवंत सिंह ने बताया कि गांव के अधिकांश लोग पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। जानवरों की मौत से उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने प्रभावितों को अविलंब मुआवजा दिए जाने की मांग की। सीमांत तहसील मुंशियारी में रविवार की शाम 6:30 बजे भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र मुंशियारी ग्लेशियर के पास बताया गया है। भूकंप की तीव्रता 3.2 रिक्टर मापी गई। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में सभी नवीनतम और आधुनिक सुविधाओं के साथ आप शादी समारोह, बर्थडे या किसी भी प्रकार के मंगल कार्यक्रमों को बनाएं और भी मंगलमय। अपने महत्वपूर्ण दिनों को और भी यादगार बनाने के लिए अभी संपर्क करें मंगल मूर्ति होटल एवं बैंकेट हॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9897007877 पर। चंपावत देवी धुरा में बीती रात्रि अराजक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी टैक्सी के शीशे तोड़ डाले। पीड़ित वाहन स्वामी ध्यान सिंह ने बताया कि वह टैक्सी चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। टैक्सी क्षतिग्रस्त हो जाने से उनके समक्ष संकट खड़ा हो गया है।
थाना अध्यक्ष नवल किशोर ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। नेपाल के अछाम जिले में शव यात्रियों को ले जा रहा एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कालिका नामक स्थान पर हुई इस दुर्घटना में ट्रैक्टर में सवार 24 वर्षीय दीर्घवीक की मौत हो गई। दुर्घटना में 33 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, जबकि अन्य लोगों को स्थानीय अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। बजरंग दल सेवा सप्ताह के तहत रविवार को कार्यकर्ताओं ने रई क्षेत्र में सफाई अभियान के साथ साथ पौधारोपण किया। बजरंग दल की किरण ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बजरंग दल द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कोतवाली टनकपुर पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई कर हनुमानगढ़ी मंदिर चबूतरे के पास से पप्पू सक्सेना निवासी वार्ड नंबर 1 शारदा चुंगी को एक प्लास्टिक के कट्टे में 48 पवे पिकनिक देशी शराब के साथ दबोचा। इसके अलावा आर्मी कैंट एरिया बिचे ग्राम की पुलिया के पास से उमेश सिंह निवासी ग्राम राबबाग को बाइक में 48 पवे पिकनिक देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ चंचल शर्मा के नेतृत्व में एसआई आरती और टीम ने लिंक रोड पर रेता डालकर यातायात बाधित करने पर कविंद्र अर्जुन सिंह का 10,000 रुपए का चालान कर चालानी रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की। जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा शराब पीकर हुड़दंग करने वाले कुल 137 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की। नगर के प्रसिद्ध महादेव मंदिर में आज सुंदरकांड और भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश जोशी, जनार्दन उप्रेती सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।